नमस्कार दोस्तों, आगरा की रसोई में मैं वर्षा वर्मा आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ भरवा तुरई की रेसिपी। बनाना बहुत आसान है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, हमें कमेंट करके बस ज़रूर बताएं। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं इस टेस्टी सी रेसिपी को। तुरई की भरवा सब्जी बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम तुरई ली है, इनको छील के अच्छे से धो लिया है और इसको देखिए इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है जिससे इसमें हम मसाला भर सकें। तो मैं एक आपको काट के दिखा देती हूँ। तो इस तरह से कट करना है कि पीछे से हमारी ये तुरई है अच्छे से जुड़ी रहे और इसमें मसाला भरने के लिए जगह बन जाए। तो इसे साइड में रख देंगे, मसाला तैयार कर लेंगे। एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर लेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच अमचूर पाउडर, आधा चम्मच नमक लेंगे। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लें। और एक चम्मच अदरक लहसुन जिसको मैंने ग्रेट करके लिया है, आप चाहो तो इसका पेस्ट भी यूज कर सकते हो। तो सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला मैंने अच्छे से हाथों से इसको मिक्स कर लिया है। तो मैं यहाँ एक चम्मच सौंफ डाल दे रही हूँ, तो इसको मैंने हल्का सा कूट के लिया है। आप चाहो तो पिसी हुई सौंफ भी यूज कर सकते हो। तो सौंफ को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई में एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे और तेल को हम गरम होने देते हैं। जब तक हमारा तेल गरम हो रहा है तो इनको भर के तैयार कर लेंगे तुरई को। तो थोड़ा थोड़ा मसाला इस तरह से इसमें भर लेते हैं। सभी तुरई को भर के रेडी कर लिया है। तो तेल भी गरम हो गया है कढ़ाई में, तेल अच्छे से गरम है। एक चम्मच जीरा डाल देंगे, जीरे के भुनते ही एक प्याज डाल देंगे मीडियम साइज का जिसको बारीक काट के लिया है। प्याज को हम 2 से 3 मिनट तक इसी तरह से चलाते हुए भून लेंगे। प्याज हल्की भुन गई है तो एक एक तुरई इसमें इस तरह से रखते जाएंगे। तुरई डालकर इसको हम इस तरह से चला लेते हैं, पलट लेंगे इसको। तुरई को मैंने अलट पलट लिया है, देखिए अच्छे से प्याज के साथ कोट हो गई है और तेल भी इन पर हल्का सा चढ़ गया है। तो अब इसको हम ढक देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे 3 से 4 मिनट तक पकने देते हैं। 5 मिनट हो चुकी है तुरई को ढके हुए, तो इसे चेक कर लेंगे। तो देखिए तुरई हमारी अच्छे से भुन चुकी है, तो इसे फिर से एक बार इस तरह से पलट देंगे। इसे मैं बिना पानी से बनाऊँ क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से टेस्टी बनेगी, तो इसे ढक देते हैं 6 से 7 मिनट के लिए। तो एक दो बार इसको चेक कर लेंगे। तुरई को पकते हुए 8 मिनट करीब हो गए हैं और एक दो बार बीच में मैंने इसे चेक कर लिया था। तो देखिए एकदम बनके हमारी तुरई एकदम तैयार है, बहुत ही टेस्टी लग रही है। तो इसे मैं सर्व कर लेती हूँ। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भरवा तुरई बन के रेडी है, तो इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।